नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, जल संकट हमारे सामने है, लेकिन जब प्रशासन कोई नया कदम उठाता है तो लोग उसे फॉलो करते हैं। जी हाँ, उपायुक्त सुजान सिंह ने की जल बचाने की मुहिम की शुरुआत, वो भी एक अनोखे तरीके से। डीसी कार्यालय में प्रतिदिन अपने विभिन्न कार्यों के लिए 300 से भी अधिक व्यक्ति रोज आते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि यहाँ पर जल का संचय करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार ही जल उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि पानी वेस्ट न जाए। अगर किसी व्यक्ति को आधा गिलास पानी की आवश्यकता है तो उसे आधा गिलास ही पानी मुहैया कराया जाता है, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। ये केवल ऐसे ही नहीं, बल्कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए पानी की बचत की जा सकती है। जिला की 4 खंडों में जल संचय करने हेतु लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कहावत है कि बिन पानी सब सुन, और बात भी बिल्कुल सही है। अगर शुद्ध जल नहीं होगा तो लोगों का जीना भी दुभर हो जाएगा। शुद्ध पानी की एक एक बूंद भी कीमती है। इसी के चलते उपायुक्त सुजान सिंह ने जिला के सभी नागरिकों को जल संचय का उपयोग बताया तथा सदुपयोग सुनिश्चित करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करे तथा जल संसाधनों में अपनी भागीदारी का परिचय दे। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए एक मंत्रालय का गठन भी किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने दूसरे कार्यकाल में जल संरक्षण करना प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत जल का संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देश के 255 जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत जिला के 4 खंडों में जल संचय का करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवी संस्थाओं व आम नागरिकों को जल संरक्षण करने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है और उनके लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए सभी नागरिक अपने घरों के नज़दीक सोखता गड्ढा भी बनाएं। उपायुक्त ने कहा कि बरसात के पानी को झोड़ों या तालाबों में डालकर जल संरक्षण किया जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में प्रतिदिन 300 से अधिक लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि जल संचय करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकता अनुसार ही हमारे यहाँ जल उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि लोग व्यर्थ में पानी न बहाएं और जल का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की ये खासी अच्छी मुहिम है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो आप जरा मुहिम चलाई गई जल संरक्षण को लेकर, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में जल संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जो सबसे उनका मुख्यता जो प्राथमिकता का कार्य है वो है जल संरक्षण अभियान, और इसके तहत उन्होंने पहली बार भारतवर्ष में एक जल संरक्षण मंत्रालय गठन किया है। तो हमारे पूरे देश में 255 जिले हैं जहाँ पर ये जल संरक्षण अभियान चल रहा है। हमारे जिले के भी 4 ब्लॉक इसमें आते हैं, तोशाम, कैरू, बहल और लोहारू, जहाँ पर भूजल का जो स्तर है बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। वहाँ पर पानी है ही नहीं, क्यों हम पानी को रिटेन नहीं कर पाते हैं। जो बारिश का पानी है वो वेस्ट चला जाता है अपना नालियों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से। तो अब ज़रूरत है जो बारिश से हमें पानी मिला उसको हम रिटेन करें, ताकि वो ज़मीन के अंदर जो पानी है, भूजल स्तर तक जाके मिले, और जो स्तर है हमारा पानी का कुछ उसमें बढ़ोतरी हो। तो इस संदर्भ में मैंने देखा भी हमारे ऑफिस में कम से कम रोज़ाना 300-250 करीब लोग आते हैं मिलने, सभी को हम पानी ऑफर करते हैं। तो जब पूरा गिलास दिया तो वे महसूस किया गया कि अगर 10 लोग मिलने आए हैं तो 8 लोग तो पानी पीते ही नहीं हैं, और 2 पीते हैं वो भी आधा गिलास पीते हैं। तो जो पानी देने वाला है वो पानी जो बाकी बचा उसको वापस जाके वेस्ट ही करता होगा, ये हमने महसूस किया। फिर हमने कोशिश की कि हम पानी जिसको चाहिए उसके दें और आधा गिलास ही दें, यानी जितनी ज़रूरत हो पानी उतना दें। तो इस हिसाब से अगर हम देखें
तो रोजाना ऐसा बहुत सा शुद्ध पानी, जो शुद्ध पानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत चीजें इसमें काम करती हैं, वो पानी हम अपनी एक ना समझी से एक किस्म से जाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो इसको बचाने के लिए तो सोचा काफी कारगर हो रहा है, तो मैंने तो इसके बावजूद भी देखा कि उसको काफी समझाने के बावजूद भी आधा गिलास पानी लेके आता है, लेकिन कुछ लोग आधा गिलास में से भी कुछ छोड़ देते हैं। तो हमने गिलास का साइज भी कम करने की कोशिश की, और यही इसी तरह के और जो भी हमारे ऑफिस के दूसरे ऑफिस के एचओडी हैं, सभी ने मतलब इस मुहिम को अपनाया है। वो भी अपने ऑफिस में आधा गिलास पानी ही ऑफर कर रहे हैं आगंतुकों को, कोई आता है मिले तो पानी ऑफर तो हमें करना ही चाहिए, वो हम करते हैं, लेकिन आधा गिलास कर रहे हैं। इससे जब जो पानी सर्व करता है उससे मैंने पूछा, उसने कहा कि इससे हमारा बहुत पानी बच जाता है, और इनकेस पानी लेके आया वो और किसी ने मना कर दिया तो वापस कैंपर में या वापस बॉटल में ही हम रखते हैं ताकि उसको दोबारा से रीयूज किया जा सके।